खबरनामा के प्रायोजक हैं मयूर होटल एंड रिसोर्ट रस्योरा सीतापुर, स्टडीवेल पब्लिक स्कूल सीतापुर, सह प्रायोजक सहगल साड़ी भंडार, मेन मार्केट गांधीनगर लालबाग सीतापुर। हम है लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेस, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया टॉपर, नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्डेड स्कूल, डिफरेंट कॉम्पिटिशन में श्योर सिलेक्शंस। बच्चे के ओवरऑल ग्रोथ के लिए शहर का बेस्ट स्कूल लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेस, ए एंड बी ब्लॉक राजाजीपुरम, सेक्टर ई आम्रपाली, आनंद नगर सेक्टर 9 वृंदावन योजना, विनम्र खंड गोमती नगर, सहारा स्टेट्स जानकीपुरम, लखीमपुर, सीतापुर, माधवगंज, हरदोई एंड न्यू दिल्ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह दौर। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। प्रदेश के 18 मंडलों का दौरा कर मंत्री समूह ने सीएम योगी आदित्यनाथ को सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत से कराया रूबरू। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 23 मई से होगा शुरू। विधानसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय नेताओं के साथ बजट सत्र पर की चर्चा। सपा मुखिया व पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने फ्री राशन को लेकर ट्वीट के जरिए योगी सरकार की कार्यप्रणाली पर उठाया सवाल। अब्दुल्ला आजम व उनकी मां तंजीम फातिमा के कोर्ट में पेश न होने पर कोर्ट ने दोनों के खिलाफ जारी किया गैर जमानती वारंट। अल्पसंख्यक कल्याण मुस्लिम वक्फ एवं हज राज्य मंत्री दानिश आजाद ने सीतापुर के दो दिवसीय दौरे के दौरान दलित के घर किया भोजन। राज्य मंत्री ने जिला अस्पताल गौशाला प्राथमिक विद्यालय का किया निरीक्षण, कमियां मिलने पर अफसरों को सुधार के दिए निर्देश। अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए सीतापुर के ट्रामा सेंटर को जल्द चालू कराए जाने का दिया आश्वासन। हिंदू कन्या महाविद्यालय सीतापुर में अंतिम वर्ष की छात्राओं को 15 मई को सांसद राजेश वर्मा करेंगे टैबलेट व स्मार्टफोन का वितरण। खबरों की शुरुआत राजधानी से आ रही अहम खबर से करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रदेश के 18 मंडलों का दौरा कर लौटे मंत्री समूह ने सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन और जनता से जुड़ी समस्याओं की वास्तविकता से रूबरू कराया। मंत्री समूह ने जिलों में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच समन्वय बनाने, छुट्टा पशुओं और बिजली आपूर्ति आदि की समस्याओं से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्री समूह की रिपोर्ट नोडल अधिकारियों को दी जाएगी, इसके आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सरकार जनता की अपेक्षा के अनुरूप विकास कार्यों को और अधिक गति प्रदान करेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 23 मई से शुरू होना है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में बुधवार को सर्वदलीय नेताओं के साथ बजट सत्र को लेकर चर्चा हुई। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, किसी की भी आवाज नहीं दबाई जाएगी, सभी को बोलने और मुद्दे उठाने का मौका दिया जाएगा।
सभी दलों से बजट सत्र से ई विधान लागू करने पर भी चर्चा हुई। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि विधानसभा के मंडप में 379 से बढ़कर 416 सीट की गई है। भाषण अपनी सीट से ही देना होगा। प्रश्न और उत्तर भी टेबल पर ऑनलाइन मिलेगा। फेसबुक और यूट्यूब पर कार्रवाई लाइव कवरेज की जाएगी। 21 मई को ई विधान का प्रशिक्षण होगा। पहले सत्र में हार्ड कॉपी भी उपलब्ध कराएंगे। तीसरे सत्र तक विधानसभा को पेपरलेस कर देंगे। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट कर उसके जरिए योगी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि मुफ्त राशन देते समय तो कोई घोषणा न हुई, पर अब कुछ परिस्थितियों की शर्त रखकर राशन कार्ड को वापस कार्यालय में सिलेंडर करने की मुनादी की जा रही है। अन्यथा इन राशन कार्ड से लिए गए गेहूं, चावल, चना, तेल व नमक तक को बाजार भाव से वसूलने की धमकी दी जा रही है। यूपी की सियासत में अपनी अलग पहचान बनाने वाले सपा नेता आजम खान की फैमिली फिर मुश्किल में पड़ सकती है। रामपुर की स्वार्थ विधानसभा सीट से विधायक उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्रों के मामले में बुधवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अब्दुल्ला आजम और उनकी मां डॉक्टर तंजीम फातिमा के कोर्ट में पेश न होने पर कोर्ट ने दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई बुधवार 16 मई को होगी। अल्पसंख्यक कल्याण मुस्लिम वक्फ एवं हज राज मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी मंगलवार की देर शाम लोक निर्माण विभाग गेस्ट हाउस पहुंचे थे, जहां उन्होंने विधायक मिश्रिक रामकृष्ण भार्गव, विधायक महोली शशांक त्रिवेदी, जिलाधिकारी अनुज सिंह, पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह के साथ बैठक कर शासन द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति एवं जनप्रतिनिधियों को आ रही समस्याओं के विषय में जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि जब तक ट्रामा सेंटर में सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, तब तक सीएससी एवं पीएससी पर वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जाएं, जिससे घायल मरीजों का इलाज समय से किया जा सके। गौशाला में मानक के अनुरूप व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। हरा चारा खिलाने पर जोर दिया। विधायक महोली शशांक त्रिवेदी ने नेरी अंडरपास में बरसात में पानी भरने की समस्या के विषय में मंत्री को अवगत कराया, जिस पर उन्होंने शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया। राजमंत्री ने बालदा कॉलोनी स्थित दलित रामगोपाल बाल्मीकि के घर पहुंचकर भोजन किया, वहां लोगों से संवाद भी किया। अल्पसंख्यक कल्याण मुस्लिम वक्फ एवं हज राज मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी ने सीतापुर के दो दिवसीय दौरे के दौरान बुधवार की सुबह जिला अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं परखी। इमरजेंसी वार्ड, मेडिकल वार्ड, फिजियोथेरेपी वार्ड, कोविड वार्ड, एआरसी वार्ड, आर्थोपेडिक वार्ड, पीडियाट्रिक वार्ड, आइस वार्ड, सिटी स्कैन कक्ष, डायलिसिस वार्ड, ब्लड कलेक्शन सेंटर, टेलीमेडिसिन वार्ड आदि वार्डों एवं सेवाओं का निरीक्षण करते हुए एवं डायलिसिस सेवाएँ शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि चिकित्सालय में मरीजों से अच्छा व्यवहार किया जाए, बायोमेडिकल वेस्ट का नियमानुसार समय से निस्तारण करने के निर्देश दिए, मरीजों से वार्ता करके मिल रही स्वास्थ्य सेवाओं का फीडबैक भी लिया, गंदगी देख नाराजगी व्यक्त करते हुए बेहतर स्वच्छता व्यवस्था के निर्देश दिए। राज्यमंत्री ने जिला चिकित्सालय में टेलीमेडिसिन सेवा का शुभारम्भ भी किया। शहर के मोहल्ला सिविल लाइन एवं वालदा कॉलोनी में सफाई व्यवस्था का स्थलीय निरीक्षण किया। राज्यमंत्री ने लोगों से सफाई व्यवस्था के संबंध में जानकारी लेते हुए ईओ को शासन की मंशा के अनुसार बेहतर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने को आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही चौक नालों की तत्काल सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सफाई कर्मचारियों से वार्ता कर उन्हें मिल रहे वेतन के समय पर प्राप्त होने के विषय में जानकारी भी ली। राज्यमंत्री ने शहर के बटगंज में कान्हा उपवन एवं निराश्रित गोवंश आश्रय स्थल का, ग्रामीण क्षेत्र में इलसिया स्थित गौ आश्रय स्थल का आकस्मिक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को देखा। उन्होंने चारे की उपलब्धता, पेयजल की व्यवस्था, स्वच्छता व्यवस्था आदि का निरीक्षण भी किया। उन्होंने बायोगैस से संचालित जनरेटर देखा। इलसिया स्थित गौ आश्रय स्थल के निरीक्षण के दौरान उन्होंने चारे की गुणवत्ता एवं पौष्टिकता को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि गौ आश्रय स्थलों पर
वृक्षारोपण अनिवार्य रूप से कराया जाए। निरीक्षण के क्रम में राज्य मंत्री दानिश आजाद ने बड़ौरा प्राथमिक विद्यालय पहुंचकर छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों की उपस्थिति को देखा, बच्चों से वार्ता कर मिड डे मील की गुणवत्ता की जानकारी ली, विद्यालय परिसर में साफ सफाई कराए जाने के निर्देश दिए, शौचालय पेयजल आदि व्यवस्थाएं पर की शिक्षकों को प्रेरित किया कि बच्चों को TLM के माध्यम से बेहतर शिक्षा प्रदान की जाए एवं उन्हें शिक्षणेतर गतिविधियों से भी जोड़ा जाए। ब्लॉक कस्बेंडा के पतारा कला स्थित पंचायत भवन के निरीक्षण के दौरान उन्होंने वहां स्थित लाइब्रेरी को देखा एवं आगंतुक रजिस्टर का निरीक्षण किया। प्राथमिक विद्यालय पतारा कला में ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत कराए गए कार्यों का अवलोकन करते हुए संचालित स्मार्ट क्लास की सराहना की। इस मौके पर DM अनुज सिंह, SP RP सिंह, CDO अक्षत वर्मा, SDM सदर अनिल कुमार आदि मौजूद थे। अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने अफसरों संग कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक की। चिकित्सालयों में दवाओं, चिकित्सकों एवं कर्मचारियों की उपलब्धता की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सभी का अधिकार हैं, अतः सभी को समुचित उपचार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि कोटे की दुकानों पर राशन वितरण का कार्य पूर्ण पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित किया जाए। गेहूं क्रय की समीक्षा करते हुए लक्ष्य के सापेक्ष गेहूं क्रय किए जाने के निर्देश दिए। राज्य मंत्री ने कड़े निर्देश दिए कि सभी अधिकारी एवं कर्मचारी निर्धारित तैनाती स्थल मुख्यालय पर निवास करेंगे, इसकी औचक जांच कराए जाने के भी निर्देश दिए। इसी क्रम में बाढ़ क्षेत्र की तैयारियों, दस्तक अभियान, बेसिक शिक्षा विभाग आदि के कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में विधायक मिश्रिक, रामकृष्ण भार्गव, DM अनुज सिंह, CDO अक्षत वर्मा, CMO डॉक्टर मधु गरोला, SDM सदर अनिल कुमार आदि मौजूद थे। अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत पतारा कला में सरकार की लाभार्थी परक योजनाओं की जमीनी हकीकत देखी। यहां नवजात बच्चों का अन्नप्राशन, गर्भवती महिलाओं की गोद भराई कर उपहार प्रदान किए। पंचायत भवन में पुस्तकालय का निरीक्षण करते हुए राष्ट्रीय आजीविका मिशन, राशन कार्ड, MSME सहित अन्य लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। राज्य मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री का संकल्प है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। आप लोगों का हाल जानने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमको आपके बीच भेजा है। इस मौके पर SDM सिदौली पंकज प्रकाश राठौर, BDO अवध प्रताप, प्रधान नफीस आदि मौजूद थे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आई इंडिया। जिला रोजगार सहायता अधिकारी अमित कुमार ने बताया कि जिला सेवायोजन कार्यालय सीतापुर प्रांगण में 19 मई को प्रातः 10 बजे से रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले में विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा प्रतिभाग किया जाना है, जिसमें हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, ITI उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य हो का चयन विभिन्न पदों पर किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी अपने समस्त मूल शैक्षिक प्रमाण पत्र एवं फोटो सहित रोजगार मेले में प्रतिभाग कर सकेंगे। रोजगार मेले में प्रतिभाग करने के लिए सेवायोजन पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में जिला सेवा आयोजन कार्यालय सीतापुर से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि युवाओं की कैरियर काउंसलिंग की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। हिंदू कन्या महाविद्यालय सीतापुर में अंतिम वर्ष की छात्राओं को टैबलेट स्मार्टफोन का मुफ्त वितरण 15 मई को किया जाएगा। वितरण समारोह के मुख्य अतिथि सीतापुर सांसद राजेश वर्मा, विशिष्ट अतिथि नगर अध्यक्ष भाजपा आकाश अग्रवाल एवं अध्यक्ष बाल कल्याण समिति सीतापुर सुनैना जैन गुप्ता होंगी। महाविद्यालय की प्राचार्या डॉक्टर सीमा सिंह ने बताया, छात्राओं को फीस वाउचर की मूल प्रति व आधार कार्ड की मूल प्रति लेकर प्रातः 9 बजे विद्यालय में उपस्थित होना है। सिधौली स्थित श्री सिद्धेश्वर महाविद्यालय मंदिर में 12 मई को अभिजीत मुहूर्त में एक बार फिर से देव मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न कराया जाएगा। मंदिर प्रबंधक स्वामी प्रकाशानंद सरस्वती फलाहारी बाबा ने बताया कि करीब 58 वर्षों बाद तीसरी बार एक बार फिर से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। सभी कार्य याज्ञिक सम्राट अनिल मिश्र बाराबंकी द्वारा संपन्न कराए जा रहे हैं। इस मौके पर देव मूर्तियों को नगर भ्रमण भी कराया जाएगा। नगर पंचायत अध्यक्षा मीना राजपूत, पूर्व चेयरमैन गंगाराम राजपूत, अनिल मिश्र, मुन्नन शुक्ला, गोविंद चौरसिया, आलोक जायसवाल, संतोष मिश्रा, पप्पू कटिया, रघुवर दयाल शुक्ला, रोहित पांडे, कमल सक्सेना, रामा सरे पांडे, संतोष गुप्ता, हरि जयसवाल, अनूप श्रीवास्तव आदि शिव भक्त पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। ब्लॉक रेउसा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय सेवता द्वितीय में अध्यापक सजल कुमार 6 माह से अनुपस्थित हैं। प्रधान के मुताबिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को सही शिक्षा नहीं मिल रही है। कई बार लिखित व मौखिक शिकायत खंड शिक्षा अधिकारी रेउसा से की गई। खंड शिक्षा अधिकारी गैर हाजिर अध्यापक सजल कुमार को कभी BRC पर कार्यरत बताते हैं तो कभी कोई और बहाना बनाते हैं। सेवता प्रधान अनीता गौतम ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर मामले में जांच व कार्रवाई की मांग की है। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिला संयुक्त सचिव यूथ सीतापुर रामलखन जायसवाल ने नहरपुर नगर पालिका परिषद के शासी अधिकारी को शिकायती पत्र देकर नगर के एक दर्जन से अधिक मोहल्लों में टूटी हुई पाइपलाइन के बारे में अवगत कराया। कहा कि 7 माह से अधिक समय से पाइपलाइन टूटी होने के चलते जगह जगह जलभराव जैसी समस्या बनी रहती है। साथ ही लोगों के घरों में गंदा पानी आता है, लोगों को पीने के पानी के लिए दर दर भटकना पड़ता है। इस मौके पर रामशरण आज़ाद, गुड्डू, हसीब, जमील, शकील, रामू, विजय कुमार, नरेश, जमील अहमद, ताजुद्दीन, जमीर, अतुल, फिरोज खान, मनोज, बैजनाथ, योगेंद्र आदि मौजूद थे। असेंबली चुनाव के दौरान भाजपा द्वारा किसानों को निशुल्क सिंचाई देने के वादे की याद दिलाने के लिए भारतीय किसान संघ ने CM को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से UP सरकार को अपने चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादे को पूरा करने की याद दिलाई गई। इस मौके पर प्रदेश प्रभारी अवधेश शुक्ला, जिला प्रभारी अमरेंद्र सिंह, जिला अध्यक्ष अवधेश त्रिपाठी, जिला मंत्री बिजेश कुमार सिंह, आशुतोष अवस्थी, कमल पांडे, राम प्रकाश अवस्थी, श्वेतांग त्रिपाठी, ब्रजेंद्र सिंह, अनिल शुक्ला, कौशल तिवारी, दयाशंकर वर्मा, रामचंद्र, जिला महिला प्रमुख सरस्वती सिंह आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। कसमंडा CSC अधीक्षक डॉक्टर अरविंद वाजपेयी व डॉक्टर प्रदीप समेत स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मास्टरबाग स्थित डॉक्टर पुतान के घर में संचालित हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। टीम ने डिग्री व लाइसेंस के विषय में जानकारी मांगी तो पुतान द्वारा बताया गया कि सारे कागज लखनऊ में रखे हुए हैं। मोबाइल में GNM और ANM की डिग्री दिखाई। स्वास्थ्य विभाग ने पुतान पर चेकिंग के दौरान अभद्रता का आरोप लगाया। अधीक्षक डॉक्टर अरविंद वाजपेयी ने बताया, झोला छाप पुतान अपने घर में हॉस्पिटल चला रहा है। कई मरीज दवा लेते हुए पाए गए, लेकिन घर को सीज करने का हमें पावर नहीं है। नोटिस जारी की गई है। वही मेडिकल टीम के साथ अभद्रता को लेकर पुलिस को तहरीर देकर अभियोग दर्ज कराने की बात कही है। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी नोडल अधिकारी सीतापुर डॉक्टर सुरेंद्र शाही ने बुधवार को कई निजी अस्पतालों का निरीक्षण किया।
बीसीएम रोड खैराबाद स्थित लखनऊ हॉस्पिटल के पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं पाया गया। प्रभारी डॉक्टर अली इमरान BUMS द्वारा हॉस्पिटल का संचालन बिना अधिकृत चिकित्सकों एवं मानकों को पूरा किए किया जा रहा था, इस पर कड़ी चेतावनी के साथ नोटिस जारी की गई। उजाला नर्सिंग होम नेपालापुर में बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण नियमानुसार नहीं किया जा रहा था, जिस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रभारी को नोटिस दी गई। भार्गव क्लिनिक नेपालापुर में CB भार्गव झोलाछाप चिकित्सक द्वारा क्लिनिक का संचालन किया जा रहा था। नोडल अधिकारी द्वारा क्लिनिक का संचालन बंद कराते हुए नोटिस जारी की गई। सीओम हॉस्पिटल GT रोड खैराबाद, A1 हॉस्पिटल खैराबाद, मेडिकॉम हॉस्पिटल खैराबाद का निरीक्षण नवीन पंजीकरण हेतु प्राप्त ऑनलाइन आवेदन के आधार पर किया गया, जहां समस्त व्यवस्थाएं सही पाई गईं। शिक्षक, साहित्यकार और सामाजिक चिंतक देवेंद्र कश्यप निडर को राज्य हिंदी संस्थान बनारस से लोक भाषा अवधि में उत्कृष्ट सृजन के लिए पुरस्कृत किया जा चुका है। अब इनको अनौपचारिक तौर पर शिक्षकों को दिया जाने वाला पंडित शिवराम मिश्र शिक्षक साहित्यकार नामक प्रतिष्ठित सम्मान से भी नवाजा जाएगा। शिक्षक साहित्यकार समिति की अध्यक्ष भारती मिश्रा ने बताया कि देवेंद्र निडर सदना क्षेत्र के अल्लीपुर गांव के निवासी हैं। यह सम्मान उनकी बहुप्रशंसित कृति स्वयंवीर नामक प्रबंध काव्य सहित स्फुट गद्य पद्य लेखन के लिए दिया जाएगा। यह सम्मान समारोह तुलसी शोध संस्थान ऐशबाग लखनऊ में आगामी 28 मई को होगा। कार्यक्रम के आयोजन व संयोजन में भारतेंदु मिश्र, आवारा नवीन, डॉक्टर रविंद्र कात्यायन, डॉक्टर रश्मिशील शुक्ल, डॉक्टर रंजना मिश्रा, डॉक्टर प्रभा मिश्रा और मंजुल मंजर लखनवी की महती भूमिका है। इस सम्मान की सूचना मिलने पर देवेंद्र कश्यप निडर को उनके शुभचिंतकों और साहित्यकारों द्वारा अग्रिम बधाइयां और शुभकामनाएं दी जाने लगी हैं। विद्युत विभाग द्वारा चलाए जा रहे राजस्व वसूली अभियान के क्रम में 429 बकायेदारों के कनेक्शन काटे गए। इस दौरान 363 बकायेदारों ने अपने बिल की अदायगी की। अधीक्षण अभियंता नंदलाल ने बताया कि 15.26 लाख रुपयों के राजस्व की वसूली की गई है। उन्होंने बताया बकायेदारों के खिलाफ वसूली अभियान निरंतर जारी रहेगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आई इंडिया। लहरपुर कोतवाली प्रभारी मनीष कुमार सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे एंटी रोमियो अभियान के तहत बुधवार को नगर के मोहल्ला शेख टोला के प्राथमिक विद्यालय परिसर में महिला आरक्षी सुषमा शर्मा द्वारा महिलाओं को उनके अधिकारों से अवगत कराते हुए जागरूक किया गया। इस अवसर पर मौजूद बालिकाओं व महिलाओं पर होने वाले उत्पीड़न तथा अपने अधिकार के प्रति जागरूक रहने के लिए विभिन्न प्रकार के टोल फ्री नंबरों 112, 108, 102, 1076, 1090 इत्यादि की जानकारी भी दी गई। साथ ही किसी भी प्रकार की शिकायत करने तथा इमरजेंसी पड़ने पर टोल फ्री नंबर 112 व 108 पर फोन करने की सलाह दी। लहरपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम पोंगलीपुर में दुर्गा माता देवी मंदिर का निर्माण राहुल प्रताप सिंह पुत्र स्वर्गीय एडवोकेट अजीत प्रताप सिंह ने अपने आवास के निकट कराया है। वहां पंडित श्री राम पांडे आचार्य द्वारा भव्य यज्ञ का आयोजन किया गया। इससे पूर्व अकबरपुर के निकट मन कामेश्वर नाथ मंदिर, सूर्य कुंड तथा शोभा यात्रा निकाली गई,
मंदिर के संस्थापक राहुल प्रताप सिंह ने बताया कि करीब 12 वर्ष पूर्व उनके पिता स्वर्गीय अजीत प्रताप सिंह ने इस मंदिर का नींव पूजन किया था। इस अवसर पर संजय कुमार मिश्र, प्रदीप कुमार मिश्र, गरुणध्वज वाजपेयी, सर्वेश सिंह, प्रेमचंद सिंह, उपेंद्र सिंह, राकेश सिंह, चंदन सिंह, अभिनव प्रताप सिंह, चंद्रशेखर सिंह भदौरिया, शुभम गुप्ता, राजा पांडे आदि मौजूद थे। जिला पंचायत सीतापुर के नेहरू हॉल में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की जनपदीय शाखा के विस्तार को लेकर बैठक हुई। संगठन के प्रदेश पदाधिकारियों की मौजूदगी में सीतापुर शाखा का पुनर्गठन किया गया। जिला अध्यक्ष पद पर प्रेम शंकर वाजपेयी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राकेश कुमार, मंत्री चंद्रमोहन अवस्थी, उपाध्यक्ष संजय कुमार व प्रकाश अवस्थी, संगठन मंत्री इब्राहिम सिद्दीकी व राजेश कुमार यादव, संयुक्त मंत्री संतोष कुमार शुक्ल, कोषाध्यक्ष मोहम्मद हारून सिद्दीकी, ऑडिटर घनश्याम सिंह, प्रचार मंत्री पुष्पेश जायसवाल तथा महिला उपाध्यक्ष शबनम बानू को नियुक्त किया गया है। राय भट्ट समाज एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा बिसुआ में एक बैठक का आयोजन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहमान भट्ट के नेतृत्व में किया गया, जिसमें मुस्लिम भट्ट समाज तवारीख के आईने में नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर आज़ाद महमूदाबादी, मौलाना रमजान मौजूद रहे। बैठक में भट्ट समाज के पिछड़ेपन को दूर करने व शिक्षा ग्रहण करने पर जोर दिया गया। इरफान भट्ट ने कहा कि मुस्लिम भट्ट समाज की ओर से इस पुस्तक का संकलन करते हुए हर्ष हो रहा है। यह पुस्तक हमारी कौम के संभ्रांत व्यक्तियों की खोजबीन का नतीजा है। बैठक में जिला अध्यक्ष मुस्तकीम भट्ट, कोषाध्यक्ष इरफान भट्ट, सचिव मोहम्मद सादा भट्ट, नगर अध्यक्ष मोहम्मद उमर भट्ट, मौलाना रमजान अली आदि मौजूद थे। बिसुआ तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत न्योरिया बांक के कोटेदार राजरानी द्वारा कम राशन दिए जाने की शिकायत हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि कोटेदार द्वारा प्रतिकार्ड 2 किलो राशन कम दिया जाता है व महीने में कुछ दिन ही राशन का वितरण किया जाता है। आरोप है कि कोटेदार ने माह अप्रैल में केवल एक बार ही राशन का वितरण किया है, जबकि 3 बार मिलना चाहिए। शिकायत करने वालों में अजीजुल्ला वसीर, बिसुन दयाल रामदेवी, राकेश कुमार वर्मा, शिवसागर वर्मा, अशोक कुमार वर्मा, किशोरी लाल वर्मा, विनीता देवी, रूबी, प्रदीप कुमार, सूर्यबक्स आदि शामिल हैं। सीतापुर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता जमील अहमद खान का लखनऊ स्थित राम मनोहर लोहिया अस्पताल में लंबी बीमारी के दौरान निधन हो गया। जमील अहमद खान ने राजनीति की शुरुआत कांग्रेस के भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन से की। शहर युवक कांग्रेस के अध्यक्ष एवं युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष तथा प्रदेश में कांग्रेस के कई पदों पर रहकर जनसेवा करते रहे। उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए पूर्व विधायक हरीश वाजपेयी ने बताया कि जमील अहमद खान तेज़तर्रार जननेता थे। जमील अहमद खान वरिष्ठ अधिवक्ता होने के साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र थे। उनके निधन पर पूर्व जिलाध्यक्ष कांग्रेस विनीत दीक्षित, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष शिशिर वाजपेयी, आमोद मिश्र, गुफरान खान, असलम अंसारी, अन्नपूर्णा सेवा संस्थान के अध्यक्ष नवीन द्विवेदी, राघवेंद्र शुक्ला, अमित वाजपेयी, जहीर खान आदि ने गहरा दुख व्यक्त किया है। बाराबंकी के बाबागंज स्थित हेल्थ प्लस मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का उद्घाटन राष्ट्रीय भगवा युवा संघ के अध्यक्ष व जिला पंचायत सदस्य प्रेमदीप जायसवाल ने फीता काट कर किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी अपने परिश्रम से अब अपने क्षेत्र का नया भाग्य लिख रहे हैं। यह इस क्षेत्र का पहला अस्पताल है। मरीजों को यहां पर कम कीमत पर सारी सुविधाएं मिलेंगी। इस मौके पर डॉक्टर हबीब अहमद, डॉक्टर संजय निषाद, डॉक्टर प्रदीप यादव, डॉक्टर हरिओम सिंह, डॉक्टर सुकृति शुक्ला, हॉस्पिटल के डायरेक्टर विकास यादव, राष्ट्रीय विद्यार्थी सभा के जिला संगठन प्रमुख रंजीत यादव, सचिन यादव, जयंत अवस्थी आदि मौजूद थे। यह था आज का खबरनामा, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मयूर होटल एंड रिसोर्ट रसियुरा सीतापुर, स्टडीवेल पब्लिक स्कूल सीतापुर, सह प्रायोजक सहगल साड़ी भंडार, मेन मार्केट गांधीनगर लालबाग सीतापुर।